आज मैं आपको बाजार से भी टेस्टी मैंगो जूस बनाना बताऊंगी। इसको किस प्रकार से बनाया जाता है जरूर देखें। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से घर पर ताज़े फलों का जूस बनाना बताऊंगी। मैंगो जूस एकदम थिक बनेगा और इतना टेस्टी बनेगा कि आप मैंगो फ्रूटी को लेना भूल जाएंगे और बाजार का जूस पीना भी भूल जाएंगे। तो आपको लेना है ताज़े फल, वो भी 3 मीडियम साइज़ के फल लेना है। फलों का जो स्वाद है थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा होना चाहिए और स्वाद में बिल्कुल ऐसे कि स्वादिष्ट होना चाहिए। खाकर आप देख सकते हैं इन्हें पहले ही और उसके बाद में फिर बाज़ार से लाएं, इसका जो टेस्ट आपको थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा होना चाहिए, तब इसका जूस बहुत अच्छा बनेगा। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं मैंगो जूस। इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, सभी फलों को अच्छे ताज़े और साफ़ पानी से धो लीजिए और इस प्रकार से छिलका उतार कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। बिल्कुल आपको छोटे टुकड़े करना है ताकि आपको मिक्सर में पीसने में परेशानी ना हो। के जो पीस है आपको बचा कर रखना है, एक बार में सारे आपको नहीं पीसना है। आपको थोड़ा सा पानी डालकर इनको कम कम ही पीसना है, ये नहीं कि एक बार में सारा पीस लिया। अगर आप कम पानी डालकर इसका जूस बनाएंगे तो आपका जो जूस बनेगा वो बहुत ही ठीक बनेगा। ये नहीं कि बहुत एकदम पतला बनेगा, बिल्कुल गाढ़ा जूस बनेगा आपका। तो यह ध्यान रखें पानी कम डालें। आप देख सकते हैं मैं आपको लाइव बता रही हूँ कितना गाढ़ा जूस बना है। यह घर का बना हुआ जूस बहुत ही टेस्टी होता है। देख सकते हैं आप कितना गाढ़ा बनकर तैयार हुआ है। तो आप घर पर बनाएं ताज़े फलों का जूस। बाज़ार से खाने पीने का शौक न रखें इन दिनों में, अच्छा है कि आप घर पर ही बनाएं। बहुत ही आसान, बॉयज़ भी बना सकते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं बाहर, जो पढ़ने के लिए गए हैं लड़के, वो भी आराम से इसको बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है बनाने में, तुरंत बन जाता है एकदम गाढ़ा जूस। देखिए, आज मैं आपको बहुत बड़ी टिप्स बताऊंगी कि अगर आपको आम का जूस बनाना है तो तुरंत छिलकर तुरंत ही बनाएं। आपकी जो साबुत केरी या आम जो भी बोलते हैं इसको, वो अगर रहेगा तो कोई बात नहीं, फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बनाना है जूस तो इसे तुरंत काटकर और छिलकर बनाएं। देखिए, जो नीचे है बर्तन में आपको हल्का सा डार्क कलर दिखाई दे रहा होगा, तो यह मिस्टेक कभी कभी हो जाती है अगर हम काम में लग जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए इस बात का। देखिए, मैं थोड़ा सा काम करने लग गई थी, दूसरा काम, कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो मैं वो करने लग गई। लेकिन प्लीज़ आप ऐसा ना करें, आपको जिस वक्त जूस बनाना है आप उसी वक्त धोकर छिलकर और तुरंत ही बनाएं। ये नहीं कि 5 या 10 मिनट के लिए रख दिया है या फिर कुछ देर बाद बनाएंगे। तो जो डार्क कलर आप देख रहे हैं यह किसी भी बर्तन में हो सकता है, तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। देखिए, कभी कभी ऐसे मिस्टेक हो जाती हैं, हम किसी काम में उलझ जाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप कृपया ध्यान दें और फिर से दूसरे जालीदार बर्तन में निकाल लीजिए और अच्छे से धोकर और इनका जूस बना लीजिए। आप देख सकते हैं मैंगो जूस कितना थिक बना है, बहुत ही टेस्टी बना है और मैंने इसे टेस्ट करके देख भी लिया है। आप अगर चाहें तो इसमें काजू बादाम अभी मिक्स कर सकते हैं या फिर आप इसको दाल चावल रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर आलू की सब्जी बनाए उसके साथ में भी। अगर आपको मैंगो जूस बनाना है और रोटी के साथ में खाना है तो आप इसके साइड में आलू की सब्जी या फिर मिक्स वेजिटेबल जरूर बनाएं।